हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो मज़ेदार बहुत ही अमेजिंग गैलेक्सी और स्पेस का किट। यहाँ पे जो है स्टेशनरी किट मेरे पास है और वो भी दो किट हैं। और यहाँ पे जो है एक किट है आपका पूरा का पूरा स्पेस के पूरे थीम के ऊपर, और दूसरा भी आपका जो है स्पेस के थीम के ऊपर है गैलेक्सी क्लब का एक स्टेशनरी सेट। तो इन दोनों स्टेशनरी सेट को आज हम जो है ओपन करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, चेकआउट करने वाले हैं, हमें कौन से सेट में क्या मिलता है, कौन से स्टेशनरी सेट में मुझे कौन कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से जो है मुझे यहाँ पे स्टेशनरी के आइटम मिल रहे हैं, वो सब आज हम जो है इस वीडियो में कवर अप करेंगे। पूरे वीडियो का एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो जरूर जो है लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि जितने भी फ्यूचर में मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यहां पे जो एक पूरा का पूरा यहां पे मेरे पास आपका स्टेशनरी सेट है, ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, और दूसरी साइड जो है ये पूरा प्लास्टिक से कवर अप है, प्लास्टिक का पैक के अंदर इसको कवर अप किया गया है। यहां जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर जो है आपको होल्ड करने के लिए यहां पे ये प्लास्टिक का होल्डर दिया गया है, जिसको आप ऐसे उठा करके जो है इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा थीम आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एलियंस भी दिखेंगे, रॉकेट्स भी दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है स्पेस जो आपका आइटम्स होते हैं स्पेस के, जैसे रॉकेट्स हो गए आपके, जो एलियंस जिससे आते हैं वो वाला आपका जो भी थीम होता है वो सब यहाँ पे आपको मिल रहा है। बैक साइड में पूरा स्पेस का आइटम बना हुआ है, जहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है रॉकेट उड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे धुआं धुआं है, और एक जो है यहाँ पे आपको कुछ प्लैनेट्स भी दिख रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सेट है। इसके आइटम्स में निकाल लेती हूँ, हालांकि ऊपर से ओपन होता है, साइड से भी ओपन होता है, बट ये हमने जो है बहुत बार यूज़ भी किया है यहाँ पे, तो इसलिए आराम से ये पूरा पैक अब आराम से निकल जाता है, इतना ज़्यादा लीलियंट हो गया है। तो ये है मेरा पहला पैक। दूसरा पैक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा प्लास्टिक का पैटर्न बना हुआ है, इसको भी होल्ड करना ईजी है, यहाँ से आपको जो है होल्ड करने के लिए जगह दी गई है। ये पूरा प्लास्टिक से कवर अप है, ये आप जो है जब आपको मिलेगा तो आप साइड से इसको कट सकते हो जैसे हमने किया है, और आराम से इसके सारे सामान निकाल सकते हो, जैसे ईजिली आप हम यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये पूरा पैक ऐसे हमारा निकल के आ गया है। तो पहले इस पैक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले मुझे मिल रहा है वो मिल रही है यहाँ पे इस कवर अप के अंदर, यहाँ पे ये पेंसिल्स, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अमेजिंग पेंसिल्स है, पूरी स्पेस की यहाँ पे थीम की पेंसिल्स है। ये पांच पेंसिल मुझे मिल रही है जो कि ब्लू कलर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ब्लू कलर की पेंसिल्स यहाँ पे आपको मिल रही है। नीचे आपको जो है स्पेस दिखेगा, यहाँ पे स्टार्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको जो है प्लैनेट्स दिखेंगे, रॉकेट दिखेंगे, और ये पूरे की पूरी आपको यहाँ पे पेंसिल्स दिखेंगी। ब्लू कलर की पेंसिल्स है, राउंड शेप की पेंसिल्स है, और साथ ही साथ बहुत ही स्मूथ पेंसिल्स यहाँ पे है। अगर आप इसको टच करके देखोगे तो ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारी यहाँ पे जो है स्मूथनेस इस पेंसिल्स में है। 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, और बहुत ही अमेजिंग लुक की ये पांच पेंसिल्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। इसको वापस रख देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो है एक बहुत ही अमेजिंग से डायरी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये डायरी जो है एक आपकी पॉकेट फ्रेंडली डायरी है, इसको आप पॉकेट में रख सकते हो, इतने साइज की आपकी ये डायरी है, ये इस तरीके की आपकी डायरी है, बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी ब्लू कलर की। अगर इसका देखा जाए तो पूरा पैटर्न बना हुआ है ब्लू कलर का, पूरी थीम ब्लू कलर की है, तो इसलिए ब्लू कलर का पूरा यहाँ पे जो है डायरी भी बनी हुई है। सो ये ब्लू कलर की डायरी है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, पहली बात तो बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटीज़ भी अच्छी है, साथ ही साथ क्वांटिटीज ऑफ नंबर पेपर जो है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी है, तो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स यहाँ पे हैं, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में आपका एक रॉकेट छपा हुआ है, और छोटी सी डायरी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, इसको आप अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो आप देख सकते हो ये पूरा गत्ता है, ऐसा नहीं है कि जो आराम से ऐसे टूट जाए या फिर जो है मुड़ने वाला है फोल्डेबल आराम से, नहीं, बल्कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको जो है क्वालिटी दे रखी है इस आपकी डायरी की, तो बहुत ही प्यारी डायरी यहाँ पे आपको मिल रही है। इसको रख देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है मुझे मिल रहा है एक शार्पनर, जो कि एक बॉक्स की शेप में है। तो ये जो है एक शार्पनर है, पूरा का पूरा राउंड शेप की बॉक्स है, पीछे जो है यहाँ पे आपका ये थोड़ा ब्लूइश या ग्रीनिश टाइप कलर है, मुझे इस कलर का नाम नहीं पता, तो ये आपका ऐसा कलर आपको दिया गया है। फ्रंट में आपको ब्लू कलर दिया गया है, जिसके ऊपर एक छोटा सा रॉकेट छपा हुआ है, और यहाँ पे स्टार्स छपे हुए हैं, और कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा आपका एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप जो है पेंसिल डाल के शार्पन कर सकते हो, आपको जो है होल दिया गया है यहाँ से पेंसिल को शार्पन करने के लिए, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो, और इसके अंदर जो भी गंद इकट्ठा हो गया है वो आप निकाल के ईजिली रिमूव कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक कन्वीनियंट होने वाला है, कि कचरा वगैरह सब इसी में आपका जो है इकट्ठा हो जाएगा, इसको भी आप रख दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है वो है ये रेनबो जैसा एक इरेजर, ये बहुत बड़ा इरेजर है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी बड़ी इरेजर नहीं देखी है गाइज, अगर आपने देखी है तो जरूर मुझे बताना। तो ये पूरी इरेजर है, ये पूरी की पूरी इरेजर है, आप इसको कितना यूज करोगे, मैं तो कभी यूज नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं बचपन में होती तो मैं एक्चुअली में इसको काट काट के यूज करना पड़ता मेरे को, तो ये इतनी बड़ी इरेजर है। यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, येलो से लेकर के ऑरेंज कलर तक आपके पास यहाँ पे कितने सारे कलर है, 1, 2, 3, 4, 5 शेड्स आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि आपकी कुछ इस तरीके से 5
ब्लेड्स है और पूरा का पूरा एक रेनबो के स्टाइल में बनाया गया है और काफ़ी मोटी यहाँ पे आपको इरेजर ये मिल रही है। आप अगर इसकी थिकनेस भी देखोगे तो भी आपको पता चलेगा ये कि ये कितनी प्यारी और कितनी अमेजिंग यहाँ पे आपको इरेजर मिल रही है। इसको भी रख देते हैं वापस। इरेजर की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है पूरा ये स्पेस का आपका पैटर्न है और इसीलिए यहाँ पे बाकी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी स्पेस से रिलेटेड है और ये सारे के सारे आपके इरेजर है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 इरेजर आपको और मिल रही है, यानी टोटल 5 इरेजर इस सेट में मिल रही है। सबसे पहले उठा लेती हूँ ये एस्ट्रोनॉट वाली इरेजर। अब देखो ये पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट का स्टाइल बना हुआ है। एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं उसका स्टाइल बना हुआ है। इसने पूरा व्हाइट सूट पहना हुआ है, ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं, पूरा जो है ऑक्सीजन का मास्क लगा रखा है और पीछे जो है एक छोटा सा बैग है जिसमें आई थिंक ऑक्सीजन लेकर ये लोग जाते होंगे। तो ये पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट का लुक यहाँ पे बना हुआ है और बहुत ही प्रिटी यहाँ पे ये आपका एस्ट्रोनॉट का लुक लग रहा है। इसको रख देते हैं। स्पेस की बात हो रही है तो एलियन तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करने वाली चीज़ है। तो ये जो है एक छोटा सा ग्रीन कलर का एलियन भी यहाँ पे है जो थोड़ा सा ऑस्ट्रिच जैसी हाथ पैर इसके लग रहे हैं। इसके हाथ पैर देख के जो है मुझे ऑस्ट्रिच की ही याद आई। तो ये जो है वैसा लुक लग रहा है। अगर आप इसको से देखोगे तो गले में नोट बनी हुई है, बहुत ही जो है इसकी आंखें थोड़ी सी डरावनी सी लग रही है, माथे पे भी इसका थोड़ा सा आईज टाइप कुछ बना हुआ है, प्लस ये स्माइल कर रहा है तो डरावना भी लग रहा है पर स्माइल भी कर रहा है। तो ये बहुत ही क्यूट, थोड़ा सा डरावना और क्यूट वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको जो है इरेजर मिल रही है। इसको भी रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है, स्पेस की बात हो रही है तो रॉकेट और प्लेन्स की बात जरूर होगी। तो ये उस तरीके का थोड़ा सा प्लेन्स टाइप का और रॉकेट जैसा लग रहा है, बट आप देखो तो नॉर्मल प्लेन्स भी यहाँ पे आपको लुक दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरी ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, पीछे से जैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं वैसे फायर निकलती है, वैसे फायर निकला हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पे लुक यहाँ पे दिया गया है इस एरोप्लेन का, तो बहुत ही अमेजिंग ये भी आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। इसको भी रख देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है वो है ये पूरी की पूरी एक बड़ी सारी रॉकेट। ये जो है बहुत ही बड़ी रॉकेट यहाँ पे है जो कि लॉन्च होने के लिए रेडी है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो एक एक डिटेलिंग इस रीजन में इतनी प्यारी से की हुई है, जिससे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नट है, यहाँ पे नट बोल्ट्स है, ये आपका विंडो है, यहाँ पे जो है कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ग्रे कलर का, ऑरेंज कलर का, एंड ये पूरा का पूरा आपके नीचे छोटे छोटे जो रॉकेट्स के नीचे लगे होते हैं पार्ट्स में वो लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको इरेजर मिल रही है। तो ये तो हुई हमारी स्पेस वाली जो है यहाँ पे आपकी स्टेशनरी किट की बात। अब चलते हैं दूसरे किट की तरफ जो कि है गैलेक्सी क्लब का स्टेशनरी किट। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा स्टेशनरी किट है। अगर किसी को इतना सारे आइटम्स नहीं लेने हैं, उनको लगता है यार इरेजर बहुत ज़्यादा हो गई है, इतना मुझे यूज़ नहीं है, डायरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है पेंसिल्स तो चाहिए, मुझे पेंसिल्स अच्छी लग रही, शार्पनर इरेजर भी अच्छा लग रहा है, पर मुझे कुछ और इसी के तरह के कुछ और भी चाहिए, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको जो है इस स्टेशनरी किट की तरफ आपको देखना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल रहा है एक ज्योमेट्री बॉक्स जो कि यहाँ पे गैलेक्सी क्लब का ज्योमेट्री बॉक्स। बैक साइड से पूरा ब्लू कलर है, फ्रंट साइड से पूरा ब्लू कलर है, जिसके ऊपर जो है एस्ट्रोनॉट छपा हुआ है और वो एक नेट लेके उनके घूम रहा है, शायद स्टार कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे पीछे आपको जो है सेम ऐसा ये वाला प्लेन जैसा दिखेगा जो यहाँ पे हमें इरेजर मिली थी, तो वो दिख रहा है। पीछे आपको जो है प्लैनेट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं। इसको ओपन करते ही इसमें आपको जो है दो कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको जो है एरिया मिल जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और इसको अगर आप रिमूव करोगे तो इसके नीचे आपको काफ़ी सारा एरिया मिल जाएगा जिसमें आप अपना बाकी सामान रख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पे एक ज्योमेट्री बॉक्स मिल रहा है गैलेक्सी क्लब का, जिसमें आप अपना जो भी सामान रखना चाहो रख सकती हो। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक इरेजर मिल गया, ये छोटी सी प्यारी सी इरेजर जो कि है रॉकेट के शेप की इरेजर। बहुत ही प्यारी इरेजर यहाँ पे आपको दिखेगी, सेम कलर की इरेजर है। यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर का रॉकेट मिल रहा है, पर ये छोटा सा और क्यूट सा इरेजर है। ज़्यादा आपको इसको यूज़ भी नहीं करना है क्योंकि नॉर्मली हम इरेजर खो ही देते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रे और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, नीचे आपको ग्रीन कलर भी मिल रहा है। तो ये पूरा आपको इरेजर का पैक यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रही है एक ब्लू कलर की शार्पनर जो कि बहुत ही सिंपल शार्पनर है और इजीली आप इसको जो है किसी भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी शार्पनर है। अगर ये वाला शार्पनर देखा जाए तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रही है सिक्स पेंसिल्स जिसमें आपको 3 डिफरेंट कलर की और 3 डिफरेंट कलर की मिल रही है। ये 3 अगर आप देखोगे तो ये जो है ब्लू कलर की है, ये 3 जो है ग्रीन कलर की है। हर पेंसिल की टिप्स पे जो है आपको इरेजर्स मिल रही है, इरेजर्स जो है आपको अटैच मिल रही है। राउंड शेप की पेंसिल्स हैं और ये आपकी जो इरेजर है ये आपकी रिमूवेबल है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे इजीली रिमूव कर सकते हो और वापस किसी और पेंसिल में जो है डाल सकते हो। तो ये 3 पेंसिल्स आपको जो है मिल रही है ब्लू, एंड 3 मिल रही है ग्रीन। अगर इरेजर पे ध्यान दो तो इरेजर में आपको जो है नॉर्मल इरेजर भी मिल रही है, प्लस यहाँ पे आपको एक स्टार बना हुआ मिल रहा है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पे कलर की बात करें तो 3 जो आपकी पेंसिल है जो है वो एक तरफ से लाइट है और एक तरफ से डार्क बनती जा रही है। जैसे यहाँ से लाइट है, आगे से डार्क है, और ये यहाँ से लाइट है, पीछे से डार्क है। तो ये है आपकी गैलेक्सी क्लब की दूसरी आपकी स्टेशनरी किट। तो आई होप आपको पसंद आई। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टेशनरी किट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।